धर्मांतरण यानी धर्म परिवर्तन जो कि एक शुरू से विवादित मुद्दा रहा है, किसी ने भी धर्म बदला हो तो उस पर कई सवाल भी खड़े हुए हैं। और यही वाक्या मनोज पासवान के साथ हुआ, वही मनोज पासवान जो कि बेगूसराय के रहने वाले, जिन्होंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार अपने बदले हुए धर्म के अनुसार करना चाहा, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे गिरिराज सिंह ने उन्हें समझाया, आर्थिक मदद की। और इस वक्त मैं पूरे परिवार के साथ मौजूद हूँ, मनोज पासवान उनकी पत्नी है, इनके बच्चे भी साथ में है, लेकिन सवाल ये कि धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा है उसको लेकर के आज आप पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर मैं आऊंगी, लेकिन सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं मनोज, आप क्या बेगूसराय से ही मूलतः रहने वाले हैं? जी हाँ, बेगूसराय के रहने वाले हैं। कब से यहाँ रह रहे हैं? मेरा तो परदादा ही के समय से रह रहे हैं। क्या करते थे? आपका परिवार पेशे से क्या करता रहा है? आप क्या करते हैं? मेरा बाप दादा जो है राजमिस्त्री थे, और हम इससे पहले हम राज क्या कहते हैं मोटर गैरेज में हम काम करते थे, और मोटर गैरेज में हमने 6 साल काम किए पिताजी के एक्सपायर करने के बाद। उसके बाद हमारे साथ बहुत बड़ी हादसा हुई, जिसके कारण हमने बहुत दिन तक बेड पर ही रहे। माँ मुसलमान हो गई, एक छोटी बहन थी वो भी थी। उसके बाद उस दिन से सिलसिला मेरे साथ इस घर में चलता ही रहा, होता ही रहा, और हम बीमारे पड़ते रहे। उसके बाद किसी तरह ईश्वर की दया हुई, जो हमारे ऊपर अनुग्रह उतरी तो हम मेरा सवाल ये है कि आपने शादी कब की? 1997 में शादी की, फिर पत्नी जो है वो यहाँ आई जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ? बच्चे हुए आपके? फिर क्या बच्चों के साथ कोई घटना हुई? बच्चे हुए, उसके बाद मान लिए कि एक मेरा किरण है, बड़ी लड़की, वो जन्म लिया। उसके बाद से मान लिए कि अपना घर में रहना सहना कुछ, चाय दुकानदारी होश में जब आ गए तो चाय दुकानदारी माँ चला रही थी, हम भी चला रहे थे, इसी तरह जीवन गुजर चल रहा था। उसके बाद मान लिए कि और भी बच्चे हुए, उसको अचानक जो मंझली लड़की थी उसको अचानक पेट में दर्द उठता था, मिट्टी उट्टी खा लेती थी, तो हम सोचे भाई मिट्टी उट्टी खा लेती है, इसके वजह से ऐसा हुआ, मगर वो भी उस चीज का शिकार हो गया। और उसी बेटी की मौत हो गई, इससे पहले एक बेटी की मौत हो चुकी थी, एक बेटी मौत हुई, उसके बाद दूसरी बेटी आएगी। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो तो डेट कर गई। दूसरी बेटी की मौत किस साल की है? 4.5 साल की है। नहीं, दूसरी बेटी जिनकी मौत हुई आपकी बेटी की, वो किस साल का वाकया है? 9 साल का था, मतलब रखिए ना क्या साल का होगा, 9 साल का थी जिस समय डेट किया, उतना याद नहीं पड़ रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ किस साल आपकी दूसरी बेटी की मृत्यु हुई है, ये घटना किस साल की है? साल 2010, 11, 12? 11 में ही, साल 2011 की बात, 11 की ही बात है। उसमें दूसरा बेटी की मेरी मौत हुई, उसके बाद वो 4.5 साल की थी, तब हमने दाह संस्कार उसका जो जहाँ था वो हमने कर दिया। करने के बाद एक पर्ची मिली, उसमें हमको मिलने के बाद हमको बड़ी शांति बुझाई उसको पढ़ने के बाद। नहीं, आप जब अपनी दूसरी बेटी का साल 2011 में दाह संस्कार करके आ रहे थे तो आपको कोई पर्ची मिली, कहाँ पर मिली ये पर्ची? नहीं, मतलब यहाँ घरे पर मिला, चलते फिरते सारा काम क्लियर करके उसके बाद मिला था, वो जाते वक्त हमको नहीं मिला था। उसके बाद जा करके उसको पढ़ करके हमको कुछ ऐसा अनुभव बुझाया जैसे लगा कोई झटका दे रहा है, और हमको मन में बड़ी शांति आई, शांति। पर्ची पर क्या लिखा था मनोज? वो पर्ची पर जो है सो बाइबल का जो वचन है वो सब लिखा हुआ था, समझ गए। उसके बाद हमने रख लिया, फिर सोचे दो क्या है नहीं है, रख दिए उसको। तब जब उसके मरने के बाद मेरा बहन भी डेट कर गई, 3 बच्चे, 3 परिवार मेरे घर से 1 साल के दरमियान में चला गया। मेरे जीवन में बड़ी बड़ी भौचाल आने लगा। तब हम सोचे कि कोई कोई आदमी बोला कि अरे लगे छो भूत प्रेत घर में घुस गए, लो कि घर को बंधा लो। तो एक खान साहब थे, जाते फिरते वो घूमते फिरते रहते थे, उनसे राय मशवरा लिए तो वो बोले कि हम फतिया कर देंगे तो ये सब चीज हट जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है, आएंगे किसी दिन हमको टाइम मिलेगा तो आएंगे। उनको नहीं आए, नहीं आए तो एक दिन मिले
तो हम मनोज जी आपके घर के लिए हम जो भी कलमा पढ़ने का था हम पढ़ करके अनुभव किए, मगर हम आपके घर में नहीं जाएंगे ये चीज करने के लिए, क्योंकि उस पर बहुत बड़ी शक्ति नजर आ रही है। वो चले गए तो कहे भाई कौन आदमी आएगा मेरे घर को शांत करने के लिए। तब एक बाबा से पूछे, वो भी चलते फिरते बाबा थे, कभी आते थे कभी जाते थे, तो उनसे पूछे तो बोला कि हवन कर देते हैं, हवन कर देते हैं और जो क्रियाक्रम है वो करेंगे, तुम्हारे घर को बांध देंगे। वो सारा चीज कागज लेकर के बनवाए और वो कागज मेरे घर में, बोले कि ये सब चीज जिस दिन हम समाध भेजेंगे तब तुम खरीद करके रखना। तो कहले ठीक है रखेंगे, मगर हम समाध भेजिएगा तब हम इस सामान को खरीदेंगे, नहीं तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो बोला हाँ ठीक है हम समाध भेज, काहे के लिए समाध भेजेगा, वो भी नहीं यार। संजोग घूमते घूमते मान लिए कि जा रहे थे तो अचानक उन पर नजर पड़ी कि बाबा आप तो आए नहीं, हम परेशान हैं कि हम अपने घर को किसी तरह बना ले और इस सब से हम छुटकारा पा ले। तो बोला बेटा हम नहीं आएंगे। कहिए ऐसा क्यों है, ऐसा क्या बात है जो आप नहीं आइएगा? तो नहीं, उस जगह पर किसी और से दिखा लो। कहे तब तो इसका मतलब आप प्रभु का लोग नहीं है, कोई अल्लाह का लोग नहीं है, वो भी पीछे भाग रहे हैं, पंडित जी भी पीछे भाग रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग, तब हम किसके पास जाएं? क्रिश्चियन धर्म के बारे में, ये भी कोई धर्म है, इसके बारे में आपको कब पता चला? सुनिए ना, उसके बाद कुछ कुछ लोग, ढेर सारे लोग हिंदू ग्रहण का लोग जो उसमें जा रहे हैं आ रहे हैं, उनसे सब सबसे मुलाकात हुई। अरे मनोज ऐसा ऐसा बात हो रहा है तो चलो ना वहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ पर विनती प्रार्थना पानी उनी पढ़ा करके ले लेना। पहले ठीक है जाएंगे। तो संजोग से हम बाल बच्चा का जो क्या कहते हैं वो ये है, इसकी तबीयत खराब हुई और इसकी तबीयत खराब होने के बाद हम इसको लेकर के वहाँ चले और ये बड़ी बेटी है इसका भी हक के बाद हमने इस सबको लेकर के वहाँ गए। जाने के बाद विनती प्रार्थना हुआ तो ये लोग थोड़ा शांत रहा, ज्यादा डराना उराना ये सब सब बंद हो गया। उस समय कुछ विश्वास जागा, चलो यहाँ नहीं कहीं हुआ तो यहाँ हो रहा है। मुझे ये बताइए कि आप जिस सत्संग की बात कर रहे हैं जहाँ आप गए थे वहाँ पर और भी लोग पहले से थे क्या? पहली बार जब आपने देखा कि वहाँ सत्संग चल रहा है, किसी और भगवान की पूजा हो रही है, उस भगवान के बारे में जिनको आप नहीं जानते हैं, जो आपको पता नहीं है कि वो शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, कौन भगवान है आपको नहीं पता है, तो फिर आप उस वक्त क्या अनुभव हुआ, क्या देखा आपने सामने? हमने अनुभव देखा, हम तो दोनों आदमी से पूछ करके ही रिटर्न हुए। उसके बाद वहाँ तो पता चला कि यीशु मसीह का ये भवन है। अच्छा, ये बेगूसराय में ही आप गए थे कहीं? यही है। तो मान लिए कि ये यीशु मसीह का भवन है, ये ईश्वर बाप का घर है, यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है, यहाँ पर हर एक चंगाई मिलता है। जहाँ तक कोई तरह के रोग बीमारी जो भी हो उसके लिए विनती प्रार्थना होता है, पानी जल दिया जाता है, शांति उसे मिल जाता, उससे छुटकारा यहाँ मिल जाता है। किस साल की बात आप बता रहे? वही 2011 के बाद से चलना हम शुरू किए हैं। ये सब बात का सूचना मिला उसके बाद से हम जाना शुरू कर दिए, जब ये दोनों की हालत फिर खराब हुई। बाबू इधर। हाँ, ये आपकी सबसे बड़ी बेटी है, इससे पहले 3 बेटियों की मृत्यु हो चुकी है। ये तो बड़ी है, इसके सबसे छोटी छोटी जो था मंजली या संजली, वो इनसे छोटी तीन बेटी की मरी थी। तब उसके बाद जा करके हमने वहाँ गए, ये लोग को हम दिखाए सुनाए पढ़ाए क्या कहते हैं प्रार्थना विनती करवाए। उस दिन के बाद ये लोग थोड़ा अस्थिर रहा, धीरे 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 ये लोग इस हालत में चल रही है। फिर आप मतलब रेगुलर तरीके से जो है वहाँ जाने लगे? हम रेगुलर तरह से जाने लगे। उसके बाद इसको देखे सही सलामत रहने लगा, पढ़ाई लिखाई भी किया, हालांकि ये BA पार्ट 1 में अभी है, मगर इसका देख लीजिए क्या दशा था, जिसके कारण इसका गोत्र नहीं बढ़ा, इससे छोटा, उससे भी छोटा जो मरी उसके बाद वो है, वो देखिए उसका साइज क्या है या इसको क्या है। तो ये दोनों बेटी ये उससे बड़ा है, समझ गए ना ये, मगर इसकी हालत क्या है सो देख ली। इस सब को नजर देखते हुए हमने वहाँ पर जाने के बाद हमको बहुत शांति मिला और बच्चे लोग को भी हम देखे शांति मिल रहा है। उस दिन के बाद हम उसमें चलते रहे, चलते चलते मान लिए कि तब जाकर के वो लोग बोला कि मनोज जी बराबर तो ऐबे करते हैं, तो क्या विचार है?
हम लोग जबरदस्ती नहीं करेंगे। आपका जब सब कुछ स्वतंत्र नजर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा वो आप बताइए। तो हमने बोला कि हमको स्वतंत्र नजर आ रहा। ठीक है मनु जी, इस बीच में मैं आपको टोकना चाहूंगी, आपने पढ़ाई लिखाई की हुई है? हमने हाँ, पढ़ाई लिखाई किया हुआ है? हम थोड़ा बहुत किए, थोड़ी बहुत पढ़ाई। अच्छा एक सवाल है, जैसे आप सत्संग में जाते थे, आप जिसको सत्संग कह रहे हैं कि यीशु के बारे में वहाँ बातें बताने लगे, तो आपके आसपास लोग थे मनु जी, अक्सर कोई इंसान जो धर्म बदलता है उस पर सवाल खड़े होते हैं। हाँ। आप पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, सत्संग में जाना, यीशु के बारे में जानना, उसमें और धर्म बदलने में, धर्म बदलना एक बड़ा फैसला होता है, धर्म बदलने में जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा फासला होता है कि आप किसी सत्संग में गए, आपको अच्छा लगा, फिर आपने धर्म बदल लिया, ये जो दिमाग में आपके आया ख्याल, ये कैसे आया और क्यों आया? ये ऐसे आया कि अब हमको यहाँ जब हर तरह से हमको शांति मिल चुका है, यही मेरा सच्चा ईश्वर नजर आ रहा है। क्योंकि दो व्यक्ति को दोनों तरफ से अल्लाह या भगवान, हम दोनों को टिटोल करके हमने गए, वो लोग हमारे सामर्थ्य में नहीं शामिल हुए और उन्होंने इनकार कर गए कि आपके घर में बड़ी शक्ति है, वो किसी और के पास जाइए। आपके दोस्तों ने क्या बताया, आपके दोस्तों ने आपको समझाया, समझाने की कोशिश की कि धर्म बदल लो? नहीं, कोई नहीं कहा धर्म बदल लो। हमने ये चीज को देख लिया और हमने कहा कि अपने इच्छा अनुसार हम इस लाइन में रहना चाहते हैं। तो वो लोग बोला ठीक है, आपकी इच्छा है तो हम आपको प्रभु का ग्रहण करवा देते हैं। किसने बोला आपसे ये सब? जो जिस संसद में हम जा रहे थे, जैसे रजिस्टर के क्या कहते हैं, शिव चर्चा में रजिस्टर बनता है, हरेक विश्वासी जन जैसा विश्वास हो उसमें हरेक जन को रजिस्टर बनता है। अगर हम आने लगे हैं, उन लोग को विश्वास हो गया ये रेगुलर आता है, पूछते हैं, इसका मन होगा तो रजिस्टर पर नाम चढ़ाएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं चढ़ाएंगे। कहीं जोर जबरदस्ती तो है नहीं, हमको आज तक कोई जोर जबरदस्ती किया ही नहीं। लेकिन आप जब पहली बार वहाँ गए सत्संग, आप जिसको कह रहे हैं चर्चा में गए आप, उसके बाद फिर बार बार जाते रहे आप, तो ये जो है बार बार जब आप उस सत्संग में जाते थे तो आपके दोस्त भी आपके साथ जाते थे, आप अकेले जाते थे, पत्नी को लेकर जाते थे? हम अपना फैमिली जाता था, हमारा दोस्त कोई नहीं था। उस समय वो लोग जो भी आता था उसी लोग का सबसे पहले हुई आदमी सब चर्च में जाता था, वो सब था, हम तो नए आदमी थे। मेरा दोस्त तो हमको जाने के बाद वो लोग दोस्त ने बना कि मेरे साथ कौन जाएगा, जिस रास्ते में आज इतना बड़ा दुर्घटना करा हुआ वो आदमी काहे के लिए जाएगा, क्या जरूरत है? है जाने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमने गए थे, हमारा दोस्त क्यों किस लिए जाएगा? उसको तो मेरे द्वारा भी यीशु मसीह का प्रचार मिला मगर नहीं आया तो उसको तो हम खींचने के लिए तो नहीं गए। मेरा मन हुआ कि हमको यही सच्चा ईश्वर है, हम इसी के पास हम जीवित रहेंगे और ये मेरा जिंदा परमेश्वर है, हम इसके पास रहेंगे और इन्हीं के पास हम रहेंगे, इन्हीं को हम ग्रहण करेंगे। हमने ये बात को कबूल कर लिया कि हाँ हम यहीं रहना है, तब हमने उनका दृढ़ीकरण ले करके हम बपतिस्मा ले चुके हैं। ये आपसे किसने कहा कि अब समय आ गया है धर्म जो है वो विचार करो धर्म बदलने का? कोई नहीं कहा, मेरा मन कहा कि तुम्हारा यही परमेश्वर है, इसी के पास रहो तुम्हें शांति मिलेगा, मुझे कोई नहीं कहा। हम आतल किसी की बात पर नहीं चले, हम अपने मन में बात में चलते हैं। ये 2013 की बात है, तो मतलब अगर कायदे से मैं ये बताऊं तो आपने साल 2013 में धर्म बदला है। आपकी पत्नी से मैं बात करना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? गीता देवी। गीता मुझे ये बताइए कि जब पति ने धर्म बदला, जब पति ने ये फैसला लिया कि अब मैं हिंदू नहीं रहूंगा, मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा, ईसाई धर्म कबूल कर लूंगा, आपका क्या डिसीजन था? क्या आपने पति का साथ दिया, पति का साथ देने का सोचा, या आपके दिमाग में कोई दूसरा विचार चल रहा था? हम पति के बारे सोचे, पति जहाँ चलेगी तहीं हम चलेंगे। हाँ, मेरा बाल बच्चा सब रोग अथी पीड़ा थे, इसीलिए हम पति के साथ हो गए, यही सब वजह है और कुछ नहीं है। जहाँ पति चलेगा तहाँ हम जाएंगे। सही बात है। आपको किसी ने मायके वालों ने कुछ समझाया? कोई नहीं, कुछ नहीं। अक्सर हम जिस समाज में होते हैं और जिस परिवेश में पले बड़े होते हैं वहाँ पर हमसे सवाल किया जाता है, आपसे भी सवाल किया गया होगा कि आपने धर्म क्यों बदला, पति का साथ क्यों दिया, तो इस तरीके के सवालात से आप कैसे गुजरी? मेरा मायके वाला भी बोला जो काहे के लिए तुम उस धर्म में जा रहे हो, हम बोले कि मेरा बाल बच्चा सब मेरे लिए परेशान थे, मेरा 3-3 बेटियां मर गए उस समय, कोई हम किसी सब भगवान के पास गए, कोई हमको साथ नहीं दिया,
वहाँ इस जगह गए हैं तो हमको शांति मिला, मेरा बाल बच्चा को सबको शांति मिला, इसी कारण हम धर्म चेंज कर दिए। हाँ बस यही बात है। धर्म बदलने के बाद मनोज पासवान और उनके परिवार में क्या चीजें पहले से बेहतर हुई है? जी हाँ, पहले से हमको बेहतर है हर एक चीज से। और ये कोई भी कहेगा कि धर्म बदलने वाले को वो लोग लालच देता है, कोई भी चीज देता है, तो लग हमको कुछ नहीं मिला है, सिर्फ आशीष के सिवा कुछ नहीं मिला है वहाँ से। जब धर्म बदला तो क्या क्या चीजें बदली आपकी जिंदगी में? मेरे जिंदगी में यही बदला कि अमन चमन से हम चल रहे हैं, बाल बच्चा सुखित है, जो ही रोटी सुखी रुखी कमाते हैं मेहनत करके। पहले पैडल वाला रिक्शा चलाते थे, ये दो साल से ये रिक्शा चला रहे हैं, उसी तरह हम जीवन बिता रहे हैं और प्रभु का महिमा कर रहे हैं, बस और कोई बात नहीं है। आपकी माँ जिनका देहांत हुआ है, 13 फरवरी को आप संस्कार के लिए जा रहे थे, उस वक्त क्या हुआ, कैसे आपको गिरिराज सिंह तक लोग लेकर गए और क्या बातचीत हुई, पूरी बात बताइए। आपने चूंकि उत्तरी पहना हुआ है इस वक्त, तो इसका मतलब ये है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हिंदू रीति रिवाज से आपने अपनी माँ का दाह संस्कार किया? तो माँ का दाह संस्कार करने के लिए हम तो उन्हीं के उसी मजहब के हिसाब से हम जा रहे थे, डब्बा बनवाए, सब कुछ करवाए, उसके बाद हम लोग का बकरी तरफ जमीन खरीद करके लिए गए हैं, उसमें हम लोग पैसा दिए, वहां से जमीन खरीद आया। और माँ के संस्कार के लिए आपने जमीन खरीदा या पहले से खरीदा? पहले से खरीदा है, तो वो लोग मान लिए कि तो दशंसी है ना, तो उसमें भी कोई भी मजहब में कोई भी आदमी कहेगा कि हम मुसलमान का आदमी है और क्या कहते ईसाई के कब्र में जाके गाड़ देंगे, तो गाड़ने देगा? नहीं ना गाड़ने देगा। तो हमने तो हमारे विश्वास के द्वारा हम रिक्वेस्ट किए कि मेरी माँ तो कबूल नहीं की है, और इसका क्या इच्छा था वो नहीं जानते हैं, मगर ये लास्ट तक भी कबूल प्रभु को नहीं किया। तो आप लोग क्या कहते हैं कि इसको, हम तो इसमें है तो उस रीति रिवाज में कैसे जाएंगे? तो माँ हिंदू थी, माँ ने धर्म नहीं बदला नहीं। था आपने धर्म बदला, इसलिए आप अपने धर्म के अनुसार माँ के संस्कार कर। हाँ, तो माँ को हम ले जाना चाहे तो लोग बोले कि देखिए आपका, आपकी माँ है, आपका इच्छा जो है तो आप चाहते हैं कि हम जहाँ हैं वहीं माँ को रखेंगे, तो हम लोग इजाजत आपके विश्वास के द्वारा माँ को जगह दी जाएगा। मतलब जहाँ से हम जुड़े हुए हैं वो लोग बोला कि जगह दिया जाएगा आपके विश्वास के द्वारा, ऐसे नहीं दिया जाएगा। वो लोग भी घर पर आए, देख लिए, और उसके मेरे रिश्ते नाते कर कुटुम्ब सब आए हैं, ये मेरा पुतौ है, भगना का लड़का है, तो ये लोग भी सारे आए, और मेरा मौसा मौसी सब बहन वहन सब आया, तो बोला कि रे मनोज से ये क्या कहता है, ये तो नहीं बदल लको रे, तू जना चल गई तना तो ये नहीं गलो बहन, तो एकरा की करमी जलेमी नहीं। हम कहे दीदी हमें तो हुआ नहीं जाए के, हमारा इच्छा छी के हमें चाहे छी हम जहाँ हमार एगो बेटी गेले वही हम एकरो रखबे। तो कल के तोहर इच्छा, सर समाज सब देख रहा है, मगर ये बात एक ठो और बीच में था कि जो माँ मेरा शिव ग्रहण किया हुआ था, शायद कहीं रजिस्टर पर नाम होगा या जो भी होगा वो हमको मालूम नहीं था। तो उसके बाद ये लोग तो कुछ नहीं बोला, साथ हो गया और गाड़ी लेकर के हम चल दिए। हमको क्वेरिया में जा करके बजरंग दल वाले ने रोक लिए, ड्राइवर को रोके, उसके बाद हम तो पहचान लिए कि ये लोग तो बजरंग दल वाले हैं, क्या बात है। तो मन में तो आ गया कि माँ ने ग्रहण नहीं किया, कोई सूचना इसको दे दिया। हमने उतरे, हम उस वक्त बोले, वो लोग बोले क्या कि क्या आप माँ आपका ग्रहण किया था, डायरेक्ट बोला वो लोग कि माँ ग्रहण किया था। हमको मन में हो गया इनको कोई सूचना दिया, तो हमने बोला नहीं किया, हम कहाँ झूठ बोलने की किया है, आप इसको तो क्या करिएगा। हम कहे कि हम अपने इच्छा अनुसार हम जहाँ रहेंगे वहाँ हम इनको ले जा रहे हैं, तो बोले क्या कि हम जाने के लिए नहीं देंगे। बोले ठीक है, नहीं जाने के लिए दीजिएगा तो अंतिम जीवन तक तो ये प्रभु को ग्रहण नहीं है किया, और इसका इच्छा भी था कि हम उधर नहीं जाएंगे तो हम इसको ले चलते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर गिरिराज सिंह से आपकी मुलाकात कैसे हुई, वो आए थे या आप गए थे उनके पास? वहाँ से हम चले हैं तो यहाँ पन्हास में शायद उनका कोई मीटिंग चल रहा था या जो भी हो, वहाँ गाड़ी रोका गया, तब हम लोग उतरे हैं, तो उधर से अपने निकल के आए, माँ के पास खड़े हुए, खड़ा होने के बाद प्रणाम पाती किए, और उसके बाद बोले इतना एक आश्वासन दिए कि मुसलमान ने अपनी भाइयों और बहनों में भी शादी होने लगा,
इतना बात बोल करके वो चल दिए, आगे बढ़ के हमको 2000 रुपया दिए, उसके बाद एक आदमी और कोई बगल से 2500 रुपया हमको दिए, 4500 हमको अनुदान किए थे, उसके बाद हमको बोले जाइए और दासन से। वीडियो सामने आया है उसमें ये भी दिख रहा है कि गिरिराज सिंह आपको समझा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का जो जबरदस्ती का मुद्दा है ये सब में नहीं उलझने के लिए हाथ भी जोड़कर आपके सामने खड़े हैं, तो ये सब क्या हुआ? ये सब भी किए, मगर हमने कहा कि जो प्रभु को हमने अब ग्रहण कर लिए, अब उस जगह से मेरा इच्छा नहीं है हटने का, हम नहीं हटेंगे, इसके लिए जो भी बात हो वो आगे बढ़ाइए या नहीं बढ़ाइए, वो आपकी इच्छा, हमने प्रणाम कर लिया। ये जो वाक्य है ये पूरा आप सुन रहे हैं, और एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी कि मनोज पासवान क्या दोबारा सोचेंगे कि वो हिंदू धर्म में फिर से जाएं, हिंदू धर्म फिर से कबूले, या उनको लगता है कि वो जिस धर्म में है वो धर्म उन्होंने सोच समझ कर सही फैसला किया है? हमने सोच समझ करके उस फैसला को हम कर लिए है, हम उसी में रहेंगे। आप क्रिश्चियन धर्म में रहे? हाँ। एक ये भी है कि क्या आपने जोर जबरदस्ती से धर्म अपना कबूला है? क्रिश्चियन धर्म जी नहीं, कोई नहीं, कोई हमारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं किया, हम अपना उनका अनुभव और शांति और दुआ और प्रार्थना के पर हम अनुभव करके हमने मन उनको दे दिए। आपकी पत्नी से मैं जानना चाहूंगी कि धर्म जब आपने बदला तो क्या किसी ने आपको पैसे दिए थे? कोई नहीं पैसा दिए, कोई नहीं दिए, नहीं हमको लालच दिया, नहीं पैसा दिया, कोई नहीं दिया, हम अपना मन से चले। आप बता रही थी कि कोई परिवार सगे संबंधी जो है वो उस वक्त आपके साथ नहीं थे? नहीं, कोई नहीं थे, कोई नहीं थे, नहीं मेरा मायके वाला था, नहीं जागरूक समाज का कोई नहीं था, अपना मन से चले। आप यहाँ है बगल का, मैंने लिए सब गाँव समाज है, गोतिया लिया है, मेरा दो बेटी मर गया, उसको बुलाने गए गोतिया लोग को, कोई नहीं मेरा सटा, हमको में कोई नया, मेरा बेटी को मिल लिए, मृत्यु को ले जाने के लिए तैयार हुआ, मेरा पति था और मेरा नंदोसी था, वो ड्राइवर था, मेरा बहन जमाए था, वो चारों पांचों मिलकर मेरा बेटी को गया संस्कार करने के लिए, लेकिन गोतिया लोग कोई घुर के नहीं आया, सब खाली देखते रहा, कोई साथ नहीं दिया। तब उसी दिन से हमको मन गया उतर, हम गोतिया लोग हमने हम मानेंगे बात, अब जब मेरा लहास धरा हुआ था उस समय कोई नहीं साथ दिया हमको, हम किसको ढूंढेंगे, किसको बात मानेंगे, तो हमको प्रभु में चलना पड़ा अंतिम, हमको उन्होंने साथ दिया, शांति दिया, बाल बच्चा का सब कुछ सुरक्षित रखा, इसीलिए हम चल गए उसमें, और इससे कोई बात नहीं हुआ। किसी कोई ऐसा व्यक्ति था मनोज जो आपके लगातार संपर्क में रहा हो, जब आपकी बेटी की मृत्यु हुई थी, दूसरी बेटी की जब आप बात बता रहे हैं, उस वक्त से लेकर के जब आपने धर्म बदला, इस बीच में लगभग साल भर का अंतर था, साल भर का फासला था आपके धर्म बदलने, तो ऐसा कोई व्यक्ति था जो लगातार आपके संपर्क में रहा हो, जो आपको समझाने की कोशिश किया हो कि ये धर्म अब जब तुम्हारा मन विच्छेद हो रहा है तो दूसरे धर्म में जो नया धर्म की तरफ जो है वो आगे बढ़ो, ऐसा कोई व्यक्ति था? जो कई बार आसपास आपके लोग होते हैं जो समझाने की भी कोशिश करते हैं, उस संदर्भ में पूछ रही हूँ। यहाँ पर जो है ना कोई समझाने वाला नहीं था, हम जिस रास्ते में जा रहे थे मुझे अनुभव हमेशा होता गया, चलता गया, और मेरा मन वहाँ बसता चला गया, समझ गए ना, मुझको कोई क्या क्या समझाएगा हमको, हम तो अपने दुख के मारे हुए, हर एक चीज से मारे हुए इंसान थे, दुनिया का संसार का झेले हुए हम इंसान थे, हमको कौन समझाएगा, हम अपने हिसाब से अपने मन से चलने वाले व्यक्ति थे। अच्छा, मेरे पीठ पर कोई नहीं है। अच्छा, आज नेता आए, नेता ने आपसे समझा, आपको समझाने की कोशिश की कि धर्म बदल लिया सारी चीजें धर्म को लेकर के, इससे पहले क्या कोई नेता, क्या कोई पहचान का या कोई भी ऐसा आया हो आपके पास? नहीं, नेता उता राजनीतिक का लोग कोई नहीं आया आज तक, नहीं 2011 से लेकर के आज 2020 चल न रहा, आज तक कोई ऐसी मुद्दा खड़ा नहीं हुई, जबकि एक बेटी हमको प्रभु ग्रहण करने के बाद तीसरी बेटी जो डेट किया जिसकी नाम थी खुशी कुमारी, उसको हमने दफन भी किया, उसमें भी कोई विरोध खड़ा नहीं हुआ था। मगर कितनी बेटियों का आपने जो है वो संस्कार क्रिश्चियन धर्म के अनुसार किया? एक दो ठो बेटी मेरा खत्म हो गया। कितने बच्चे हैं अभी आपके? अभी तो 6 लड़कियां हैं, एक लड़का ही है, छोटा बेटा है, सबसे छोटा बेटा है। 7 बच्चों की परवरिश, पत्नी है साथ में, ये सब ई रिक्शा चलाकर करते हैं, मुश्किल तो होता है,
मगर किसी तरह भी समय तो कट रहा है। जहाँ तक जो होता है उसी में बचा उचा करके अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने की भी कोशिश करते हैं, नहीं प्राइवेट स्कूल में तो सरकारी में भी भेज करके हम पढ़ा रहे हैं। और ये भी बात है, आपको जब आइए गए तो ये भी बात बोल देते हैं कि देखिए, जब से क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी बने हैं, उनके बनने से पहले हमको लाल कूपन मिलता था राशन के लिए, और उसके बाद से लाल कूपन भी मेरा बंद हो गया। मेरी माँ के नाम से राशन कार्ड था वो भी बंद हो गया, उसको भी हमको नहीं मिल रहा है। और उस दिन से आज तक, जबकि पत्नी के नाम से वार्ड कमिश्नर बोला कि पत्नी के नाम से अब लाल कार्ड बनेगा या जो भी बनेगा सुरक्षा कार्ड बनेगा, वो भी हम दरखास्त दे चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं, मगर आज तक राशन भी हमको नहीं मिलता। राशन आपको नहीं मिल रहा है, कोई ऐसी योजना जिसका आप लाभ उठा पाए हो, सरकारी योजना जिसको आप कह सके कि इस योजना के तहत हमने लाभ उठाया है? जो हमने एक सरकारी योजना के लाभ हम उठाए हैं, जो ये विकलांग हम हैं, विकलांग है। आप विकलांग हैं? अच्छा, ये हाथ से आप काम नहीं कर सकते हैं, फिर ई रिक्शा कैसे चला लेते हैं? एस्केलेटर खाली ले सकते हैं, और ज्यादा वजन का काम नहीं करेंगे, मगर हेल्डिंग संभाल सकते हैं, एस्केलेटर हम ले सकते हैं। कितनी उम्र है आपकी मनोज? मेरा उम्र 1971 का जन्म है, 50 साल के लगभग हो गया है। तो मान लीजिए कि घर का भी हमने फार्म भर के जमीन का रसीद उसीद जो भी था सब कुछ दिए, वो भी बहुत जगह मिल रहा है, मगर मेरे पास आज तक वो चीज नहीं आ पा रहा है। वार्ड कमिश्नर को बोले 2-3 बार कि भैया सबको तो आ रहा है, तो क्या कहते हैं कि अभी तक तो कुछ हो नहीं हम ले लिए उपलब्ध हुआ सरकारी। एगो विकलांग सर्टिफिकेट बना, उसके बाद क्या कहते हैं ये पैसा हमको, वो भी पैसा कितना दिन रुका रहा, जाकर के पूछे हैं है कि भाई ऐसा क्यों है, सबको आप हाथ से बांट रहे थे तो उस समय हमको बुला बुला कर दे देते थे, और जब पासबुक सिस्टम हुआ है तो मेरा पैसा नहीं आ रहा है, माँ का पैसा आ रहा है और मेरा नहीं आ रहा है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए मनोज। तो मनोज पासवान और उनकी पत्नी से हमने बातचीत की है। मनोज पासवान को लेकर के अभी विवाद जो है वो थमा नहीं है, क्योंकि लगातार धर्म परिवर्तन का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। लेकिन जब हमने सवाल किया है तो उनका स्पष्ट करना है कि उन्होंने किसी से, किसी के जोर जबरदस्ती में आकर फैसला नहीं लिया था, अपनी मर्जी से उन्होंने धर्मांतरण करवाया अपना और अपने परिवार का, और अभी वो अपनी जिंदगी में खुश है, पहले से बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज बेगूसराय।